नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हुताबिश हुसैन और वक्त है न्यूज टॉप 20 का। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगा है। एक स्टिंग ऑपरेशन में दावा किया गया है कि हरीश रावत ने अपनी सरकार बचाने के लिए विधायकों को 25-25 लाख रुपए दिए। ये स्टिंग एक चैनल से जुड़े एक पत्रकार ने किया है। दावा ये किया जा रहा है कि ये स्टिंग ऑपरेशन पिछले 10 दिन के भीतर किया गया है। स्टिंग ऑपरेशन में कांग्रेस के विधायक मदन सिंह बिष्ट और कांग्रेस के ही बागी विधायक हरक सिंह रावत के बीच बातचीत का दावा किया गया है। वहीं स्टिंग ऑपरेशन के बाद उत्तराखंड की पूर्व सीएम मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि राज्य में ब्लैकमेलिंग की राजनीति चल रही है। हम ब्लैकमेलर्स के खिलाफ हमारी लड़ाई रहेगी। जो ब्लैकमेलिंग की राजनीति है, जो उत्तराखंड के अंदर कुछ लोगों ने ऐसी संस्कृति पैदा कर दी है विच वॉज अनहर्ड, वो हमारी राजनीति की सफाई के नाम पर यहाँ जो गंदगी पैदा कर रहे हैं, जो ब्लैकमेलिंग पैदा कर रहे हैं, मुझे बहुत सुदृढ़ सूत्रों से मालूम पड़ा है कि दो शीर्षस्थ पदों पर रहे ब्यूरोक्रेट्स को उनके पुराने स्टिंग दिखा करके उनको इस काम पर लगाया गया है कि वो सरकार गिराने के लिए, मतलब हम बहुमत साबित न कर सकें, सरकार गिरा तो दी उनने, अब हम बहुमत साबित न कर सकें, हमारे विधायकों की खरीद फरोख्त में लगाया गया है। स्टिंग ऑपरेशन सामने आने के बाद बीजेपी नेता अनिल बलूनी ने कांग्रेस और हरीश रावत पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि इस स्टिंग ऑपरेशन से उत्तराखंड में कांग्रेस का सच सामने आ गया है। पहले जो उनकी सीडी आई थी उसमें दिखा था, वो लोगों को कह रहे थे कि 50 करोड़ रुपए लूट लेना उत्तराखंड का, मैं आँख बंद कर लूँगा। उसके बाद उसमें ही उन्होंने कहा कि आप अभी पैसा दे दीजिए, मैं टॉपअप करा दूँगा। इतना भ्रष्ट आचरण हरीश रावत का देखा, पूरा उत्तराखंड लज्जित हुआ उसको देखकर, अपमानित महसूस किया उस देवभूमि ने अपने आप को। और आज की जो सीडी दिख रही है उसमें साफ दिख रहा है कि जो उन्होंने वादे किए थे वो सब पूरे कर दिए हैं। हर विधायक को 25-25 लाख रुपए दे दिए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अब जब विधायकों को पैसा दिया जा चुका है, विधायकों की इन हाउस परचेजिंग हो चुकी है, तो अब क्या ये जो 12 विधायक हैं जिनको पैसा मिला है, क्या इनको विधायक रहना चाहिए? इस पर सोचना होगा। नेशनल हेराल्ड मामले में अब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी शिकंजा कस दिया गया है। हरियाणा के विजिलेंस विभाग ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दरअसल ये मामला एसोसिएट जनरल्स को 2005 में 1982 के रेट पर जमीन आवंटन से जुड़ा है। वैसे इस मामले में हुड्डा के साथ साथ मेसर्स एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड और 4 IAS अधिकारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। सभी पर सरकारी खजाने को नुकसान पहुँचाने का आरोप। मेरा क्या कहना है, विजिलेंस डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, वो हम किसी डिपार्टमेंट के काम में दखलंदाजी नहीं करते हैं। हर एक विभाग को अपने अपने काम करने की स्वतंत्रता है। उनको लगा है कि कहीं कोई गड़बड़ हुई है, गलत चीज़ भाई उन्होंने पाया है, उसके अंदर उन्होंने FIR की है। अब तो जो कोई गलत आदमी होगा जिसने कोई इस प्रकार के गलत काम किए होंगे वो आएगा, फंसेगा। रॉबर्ट वाड्रा के मुद्दे को लेकर कल संसद में घमासान के आसार हैं। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा कि बीकानेर में वाड्रा की कंपनी को आवंटित जमीन का मामला वो कल संसद में उठाएंगे। किरीट सोमैया ने वाड्रा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वाड्रा ने बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर में सोलर पार्क के नाम पर जमीन को घोटाला किया, बेनामी कंपनियां खोलकर पैसे की हेराफेरी की। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से बीकानेर में छापे मारकर कई दस्तावेज जब्त किए गए थे। कल संसद में यह विषय मैं उठाने वाला हूं, गांधी परिवार के रॉबर्ट वाड्रा ने किस प्रकार से किसानों को, दलित किसानों को लूटा एक ओर, और साथ में सोलर पार्क के नाम से बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर में मनी लॉन्ड्रिंग की 50 लाख का 5.5 करोड़, 5 लाख का 5 करोड़, इस प्रकार से उसने बेनामी कंपनियों का उपयोग किया। वो कंपनियों का उपयोग करके जो उनको रिश्वत का, नॉन ट्रांसपेरेंट मनी मिला,
वो मनी लॉन्ड्रिंग इन कंपनियों के द्वारा हुआ है क्या? फिर गगनगीर हो, फकीर मोहम्मद हो, स्काईलाइट हॉस्पिटलिटी, एल एजेंसी, फिनलिस्ट प्राइवेट लिमिटेड, एक दर्जन कंपनियां इस प्रकार से खड़ी कर कर बड़े प्रमाण में पार्किंग ऑफ स्कैम मनी हुआ है। संसद के द्वारा देश को ये जानकारी देने के लिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा। यूपी चुनाव से पहले कैबिनेट में बड़ा फेरबदल किया जा सकता है। माना जा रहा है कि मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने के पहले ही ये बदलाव होगा। सूत्रों की अगर माने तो सरकार के चार बड़े मंत्रियों का पोर्टफोलियो भी बदला जा सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश से कुछ चेहरे भी मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। विलफुल डिफॉल्टर्स के साथ आरबीआई सख्ती के मूड में नजर आ रहा है। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि वो जल्द ही ऐसे लोगों की लिस्ट लेकर सामने आएंगे जिन्होंने जानबूझकर लोन का पैसा नहीं चुकाया है। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि लोन के विवादों के मामले में कोर्ट के बाहर समझौते करने की तैयारी चल रही है। हालांकि राजन ने ये भी कहा कि इस लिस्ट में उन लोगों के नाम शामिल नहीं होंगे जो अपना क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाना भूल गए हैं। राजन का मानना है कि ऐसा करने से तो लोग क्रेडिट कार्ड लेना ही बंद कर देंगे। रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने हेलीकॉप्टर मनी पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोगों को आसानी से पैसा मिलने से संभव है कि वो खर्च करने की बजाय पैसा बचाने लगे। सार्वजनिक निवेश बढ़ाकर सिस्टम में ज्यादा पैसा बचाने की बात होती है ताकि लोगों को ज्यादा खर्च करें और ग्रोथ को रफ्तार मिले। लेकिन राजन ने कहा कि लोगों को खर्च करने से ज्यादा बचत पर ध्यान देना चाहिए। सरकार अगले हफ्ते डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल और सरफासी एक्ट में बदलाव के लिए 2 नए संशोधन बिल पेश कर सकती है। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक संशोधन के बाद दोनों एक्ट से बैंक्स के एनपीए पर लगाम लगाने और वसूली प्रक्रिया में तेजी लाने में मदद मिलेगी। सूत्रों के मुताबिक दोनों बिलों के मसौदे को इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप ने अपनी मंजूरी दे दी। अप्रैल में स्टील की खपत साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। इस दौरान देश में स्टील की खपत 57.5 लाख टन रही है। इसके पहले वाले महीने मार्च में स्टील कंजप्शन 71 लाख टन था। स्टील खपत में गिरावट घरेलू स्टील इंडस्ट्री के लिए चिंता का विषय है, खासकर तब जब सस्ता इंपोर्ट मेटल की डिमांड को कम कर रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल फरवरी में ये स्टील खपत 68.4 लाख टन और जनवरी में 69.8 लाख टन था। हालांकि वित्त वर्ष 2015-16 में देश का स्टील कंजम्पशन 2014-15 के मुकाबले 4.3% बढ़ा था। एक जनवरी से देश में सिंगल इमरजेंसी नंबर 112 शुरू हो जाएगा। टेलीकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने विभिन्न इमरजेंसी सर्विसेज के लिए सिंगल नंबर के प्रोविजन को मंजूरी दे दी है। सिंगल इमरजेंसी नंबर आने के बाद पुलिस, एम्बुलेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट सभी के लिए एक ही नंबर का इस्तेमाल किया जा सकेगा। अभी तक सभी डिपार्टमेंट के लिए देश में अलग अलग नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। साल 2019 तक देश के और 55,000 से ज्यादा गांव मोबाइल कनेक्टिविटी से जुड़ जाएंगे। इसके लिए सरकार 321 नए मोबाइल टावर लगाने की योजना बना रही है। सरकार का ज्यादा जोर नॉर्थ ईस्टर्न में कनेक्टिविटी बढ़ाने पर है। नॉर्थ ईस्ट के करीब 8,621 गांवों में नए मोबाइल टावर लगाए जाएंगे, जिसको लेकर 5,300 करोड़ रुपए की रकम को मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है।
गोदरेज प्रॉपर्टीज जल्द ही 15 नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें एक प्रोजेक्ट नोएडा में भी है। साथ ही मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान कंपनी की 1500 करोड़ रुपए की कमर्शियल एसेट की बिक्री की योजना भी है। गोदरेज प्रॉपर्टीज की बिक्री बुकिंग 2015-16 में 5038 करोड़ रुपए रही, जो पिछले साल के मुकाबले 88% अधिक। दिल्ली में एक बार फिर ओला कैब के ड्राइवर पर महिला से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। इस बार ये छेड़छाड़ विदेशी महिला से हुई है। घटना कल रात की है। बेल्जियम की रहने वाली महिला का आरोप है कि उसने मोबाइल ऐप के जरिए गुड़गांव से दिल्ली के सीआर पार्क के लिए कैब बुक की थी और रास्ते में ड्राइवर ने उसके साथ छेड़छाड़ की। कार से उतरने के बाद उसने पुलिस से इस बात की शिकायत की। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर राज सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं ओला कंपनी की ओर से कहा गया है कि उसने आरोपी ड्राइवर को नौकरी से निकाल दिया। राजस्थान के कोटा में चलती कार में आग लग गई। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग लगने के बाद कार सवार ने मुश्किल से अपनी जान बचाई और सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने पुलिस पिकेट पर हमला कर हथियार लूट लिए हैं। घटना बीती रात की है। बताया जा रहा है कि हथियारबंद आतंकियों ने अडिजन गांव में बने पुलिस पिकेट पर हमला कर दिया और वहां मौजूद 3 पुलिस वालों को बंधक बनाकर उनसे 4 राइफल लूट ली। ये पुलिस चौकी अडिजन गांव में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा के लिए बनाई गई है और चौकी लूटे जाने की सूचना मिलने के बाद पुलिस और सेना के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए। आतंकियों के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सूखे से बेहाल लातूर के लिए नागपुर सेंट्रल रेलवे के कर्मचारियों ने मदद का हाथ बढ़ाया है। इन लोगों ने मिलकर लातूर में 15,000 लीटर पीने का पानी भेजा है। वहां नांदेड़ और परभणी के लिए मुंबई ट्रक एसोसिएशन ने 10 पानी के टैंकर भेजकर पानी के लिए तरस रहे लोगों की मदद की। बिहार के गया में रोडरेज में एक लड़के को गोली मारकर हत्या कर देने का मामला सामने आया है। वारदात रामपुर थाने की है। मरने वाले लड़के का नाम आदित्य सचदेवा बताया जा रहा है। हत्या का आरोप जेडीयू की विधान परिषद सदस्य मनोरमा देवी के बेटे पर लगा है। पुलिस मनोरमा देवी के पति से इस मामले में पूछताछ कर रही है। आदित्य के दोस्तों के मुताबिक देर रात वो लोग कार से बोधगया से दोस्त की बर्थडे पार्टी से लौट रहे थे। रास्ते में एक जगह रेंज रोवर को उन्होंने ओवरटेक किया। उसके बाद रेंज रोवर से निकले लोगों ने उनके साथ हाथापाई की और पीछे से गोली एक चली, जिससे कार में बैठे एक शख्स की मौत हो। जयपुर में सप्लाई का गंदा पानी पीने की वजह से एक बच्ची की मौत हो गई है, जबकि 150 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए हैं। पिछले 2 दिनों में 150 से ज्यादा लोगों को शहर के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। बच्ची की मौत जयपुरी अस्पताल में हुई है, जबकि 13 बच्चों की तबीयत अभी तक नाजुक बताई जा रही है। जयपुर के जामडोली, कनौटा और रिद्धि सिद्धि चौराहे के आसपास रहने वाले लोगों का आरोप है कि पिछले कई दिनों से गंदा और बदबूदार पानी पीने के लिए आ रहा है, लेकिन कई बार शिकायत के बावजूद प्रशासन ने कुछ नहीं किया। ऋषिकेश से चार धाम यात्रा का विधिवत शुभारंभ हो गया है। अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के कपाट खुलेंगे। कल यात्रा के लिए निकली 15 बसों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।